फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू दिस चैनल ऑफ एशियन चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सी एच बी जोधपुर। टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है और 10th क्लास एक्सरसाइज 6.1। तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, और बोर्ड के पेपर में काफ़ी बड़ा भाग इससे कवर होता है। तो आपको जो है इस ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज का अच्छे से फॉर्मूलाज और अदर जो इसके फॉर्मूलाज और अदर जो रूल्स है उसको अच्छे से लर्न करना है। तो हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यानी त्रिकोणमितीय अनुपात पार्ट फर्स्ट है ये, और एक्सरसाइज 6.1 है। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन राइट एंगुलर ट्राइंगल, यानी कि ये सारा एक्सरसाइज है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसका वन एंगल 90 डिग्री का हो। तो इसीलिए राइट एंगल ट्राइंगल के कारण ही हम जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो बिगनिंग पार्ट है, बिगनिंग पार्ट में हमें पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान देना। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय कब काम आती है? जब इस ट्राइंगल के टू साइड्स हमारे पास हो और थर्ड साइड हमको फाइंड आउट करना हो, यानी कि दो भुजाएं हमारे पास हो, तीसरी भुजा हमें फाइंड आउट करनी चाहिए, दो भुजाएं हो चाहिए दो। हम थोड़ा सा इस यहाँ स्टडी कर लेते हैं कि कौन सी साइड को क्या बोलते हैं। तो ये आपका ट्राइंगल है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, 90 डिग्री के सामने यहाँ ये सी, ये यहाँ पर है ये एसी, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया और इसके सामने ये कौन सी भुजा हो गई एसी। तो ये हाइपोटेनियस जिसको कि कर्ण बोलते हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है, यानी कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये 90 के अपोजिट जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस, और हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। इसी तरह ये जो एंगल, मैंने इस एंगल को ये शो कर दिया है, जब अपन एंगल शो कर देते हैं तो किसी भी एंगल को शो करते हैं तो उसको थीटा से या फाई से या अल्फा बीटा किसी से भी हम उसको दर्शाते हैं, यानी शो करते हैं। तो इसको मैंने थीटा से दर्शा दिया। तो कोई भी ट्राइंगल में अपोजिट साइड ऑफ थीटा, न्यून कोण जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, तो थीटा के सामने जो जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर पी, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर। द रिमेनिंग जो तीसरी साइड बच जाती है शेष, वो आपकी बेस या आधार बन जाती है। इसको बेस यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं आधार। तो इसका बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि ये ट्राइंगल जो है जिसमें 90 डिग्री शो कर रखा, 90 के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनियस या हिंदी में कर्ण बोलेंगे। इसी तरह हमने अगर ट्राइंगल में न्यून कोण थीटा दर्शाया तो थीटा के सामने का जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर यानी कि लंब, इसको थीटा के अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर या हिंदी में उसको लंब बोलते हैं। इसी तरह जो बच जाती है थर्ड साइड, यानी ये हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया यानी कर्ण और लंब हो गया, तो ये जो साइड बची है इसको बेस बोलेंगे या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आधार। तो ये तीनों साइड का आपको नॉलेज होना चाहिए। मान लो एक सेकंड के लिए हम इस थीटा को रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि इसको हटाकर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ,
एंगल ए पर, देन थीटा यहाँ आ गया, तो इसका मींस थीटा के अपोजिट साइड कौन सी बन गई, बीसी। तब बीसी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसको लंब बोलेंगे। और थर्ड साइड कौन सी रिमेनिंग बच जाएगी, ये वाली, तो वो कौन सी हो जाएगी, बेस या आधार। तो जहाँ भी ये न्यून कोण जो आपका है थीटा, वो जिस जगह होगा उसकी अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होती है, यानी कि इसका यदि इसको हम यहाँ शो करें तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। कहने का मतलब हाइपोटेनियस इज फिक्स बट परपेंडिकुलर बेस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू थीटा। अब इसका क्या यूज है पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हिंदी में यहाँ बोल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसको अपन समझेंगे। यहाँ कह रहा है इफ ए सी इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, यानी इस गिवन डायग्राम में अपन ए सी को 13 सेंटीमीटर लेते हैं, तो मींस हमारे पास क्या हो गया, ए सी ये 13 सेंटीमीटर है। तो अब ए सी का लोकेशन कहाँ है इस डायग्राम से, ए सी 90 के सामने, इसका मतलब ये कौन सी साइड हो गई, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण हो गया। इसी तरह बी ए बी दे रखा है, गिवन इज ए बी, ए बी 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो ए बी का, ए बी की सिचुएशन देखते हैं, ये थीटा है, इसके सामने ये ए बी है, तो थीटा के अपोजिट साइड जो वो साइड होती है वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर पी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। देन फाइंड द बी सी, हमें क्या फाइंड करना, बी सी फाइंड करना, यदि ए सी 13 सेंटीमीटर है, ए बी 12 सेंटीमीटर है, तो बी सी की वैल्यू फाइंड करो, यानी बी सी फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम हम बात करते हैं, हमारे पास हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, क्या नहीं है, बेस नहीं है, यानी कि आधार नहीं है। तो तब हमें जो है पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या ऐसे कहते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हम इसको कौन सी थ्योरम यूज करते हुए करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर। तो हमारे पास एच यानी कि कर्ण का वैल्यू दे रखा 13, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 13 उसका स्क्वायर लिखेंगे। बेस की वैल्यू हमारे पास है नहीं, बेस इज बी सी, वो फाइंड करना है। परपेंडिकुलर स्क्वायर परपेंडिकुलर है, पी लंब की वैल्यू दे रखी है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा 13 का स्क्वायर, 13 × 13 होता 169। इसी तरह बी सी का स्क्वायर हो जाएगा बी सी स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर हो गया 12 × 12 144। इसको ट्रांसपोजिशन करके, यानी देखो बी सी स्क्वायर इधर पड़ा, 144 प्लस का है, इसको हम ट्रांसपोजिशन करके दूसरे पक्ष में लाते हैं, तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144 144। बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बचेगा, 25। बी सी का स्क्वायर है, आपको पता है स्क्वायर रिमूव करते हैं तो, यानी कि बहुत साइड रूट लेने पर स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर हटेगा सामने रूट आ जाएगा 25 का रूट। इट मींस बी सी इक्वल्स टू 25 का रूट कितना होता है, 5। बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कब काम आता है, कब यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम, जब हमारे पास ट्राइंगल की दो साइड हो तो हम तीसरी साइड फाइंड करते हैं, तो उसमें पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सुविधा के लिए
मैं आपको इसको शॉर्ट कर देता हूँ। जैसे अगर हाइपोटेनस फाइंड करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप ये अप्लाई कर सकते हो, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बेस फाइंड करना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और परपेंडिकुलर फाइंड करना तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इसको रिमूव करते हैं तो सामने कौन सा रूट, रूट का साइन आ जाएगा, ये रूट में चला गया। अब बी फाइंड करना है, बी ये तो पी का स्क्वायर हम ट्रांसपोजिशन करेंगे, माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा इधर, स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर है तो उधर क्या लग जाएगा, रूट का साइन। पी फाइंड करना है नहीं, परपेंडिकुलर फाइंड करना, तो बी स्क्वायर को अपन इधर शिफ्ट करेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो वो भी किसमें चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। इसलिए ये शॉर्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है वो ये पता रखने, ये साइन ऑफ थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ये सिक्स जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा और कॉसेक ऑफ थीटा, इसको इसी तरह लर्न करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक, इन ऊपर आपको इस डायरेक्शन में लर्न रखना है और नीचे इस डायरेक्शन में लर्न रखना है। तो यहाँ पर अपन साइन की बात करते हैं, तो ये पी अपॉन एच हो गया। देखो मैं यहाँ पर गोला कर रहा हूँ, पी बी पी, इसी तरह एच एच बी। तो सबसे पहले तो हमें ये लर्न करना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और अपोजिट में अपॉन में इनवर्स में आपको कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा लर्न करना। देखो पंडित बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक ट्रिक है इसको लर्न करने की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये अभी हम देखेंगे। और हिंदी वाले कैसे लर्न रखेंगे, एल ए एल यानी लाल कक्का, एल ए लाल बट्टा कक्का, किसके साथ, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक के साथ। अब हम केवल साइन की बात करते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा का होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस यानी लंबट्टा कर्ण, इसी तरह कोस का होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आधार बट्टा कर्ण, टेन का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंबट्टा आधार, इसी तरह कोट का अगर फॉर्मूला अपन को फाइंड करना तो उल्टा चलेंगे यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बट्टा लंब। इसी तरह सेक की बात करें तो हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कि कर्ण अपॉन आधार, कॉसेक थीटा की बात करें तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कर्ण अपॉन एल। जैसे यदि आपको कहीं पर ये लिखा हुआ है साइन ए इक्वल्स टू 3/5, तो इसका मीनिंग क्या होता है ये देखते हैं। तो ये साइन ए का मतलब साइन थीटा में चले जाओ, साइन थीटा में ऊपर वाली वैल्यू किसकी होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो रेशियो है परपेंडिकुलर का, यानी परपेंडिकुलर पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 अपॉन, यहाँ पर अपॉन में क्या, हाइपोटेनियस, यहाँ अपॉन में क्या, 5, यानी हाइपोटेनियस यानी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो इसी हिंदी में अगर बात करें तो लंब बट्टा कर्ण, यानी ऊपर वाली वैल्यू लंब की होगी, अपॉन वाली वैल्यू किसकी होगी, कर्ण की। तो ये लंब का मान है और कर्ण का मान है, यानी कि ये बिना डायग्राम भी हम ऐसे भी इसको पता लगा सकते हैं। तो ये लंब की वैल्यू होगी, ये कर्ण की वैल्यू, तो कौन सा वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा अपने को, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, बेस फाइंड करना पड़ेगा।
ये फॉर्मूला पड़ा है, इसी फॉर्मूले को यूज करके थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह कोस थीटा या ए की वैल्यू मान लो आपको दे दी 4/5 जस्ट, तो कॉस ऑफ थीटा ये रहा, इसमें ऊपर वाली वैल्यू बेस की अपॉन में हाइपोटेनियस, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, यानी हिंदी में बात करें तो आधार बट्टा कर्ण, यानी ये आधार की वैल्यू ये कर्ण की वैल्यू, हमें कौन सा फाइंड करना है, यानी कि बेस और हाइपोटेनियस, यानी बेस और हाइपोटेनियस यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना है। इसी तरह हम टेन की बात करें, टेन ऑफ थीटा इसमें अपॉन 3/4 लिखा हुआ मान लेते, तो टेन ये रहा, टेन परपेंडिकुलर और बेस यानी ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर की, ये बेस की वैल्यू, हिंदी में बात करें लंब बटा आधार, ये लंब की वैल्यू हो जाएगी और ये आधार की वैल्यू, यानी ये रेशियो में है, ये लंब का रेशियो 3 में होगा और आधार का रेशियो 4 में होगा, यानी कि परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है, तो हमें क्या फाइंड करना होगा इसमें, हाइपोटेनियस अगर आगे कुछ पूछा जाए तो, ये इस तरह से आपको पता रखना है। चलो नेक्स्ट, इससे संबंधित अपन कुछ एक्सरसाइज कुछ एग्जांपल अगली एक्सरसाइज में लेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं किसका क्या फॉर्मूला बनता है। देखो साइन ऑफ थीटा मैंने यहाँ लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस। इसी तरह कॉस ऑफ थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा जस्ट उल्टा होता है किसका, टेन का, टेन का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट का होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह सेक, सेक जस्ट कॉस थीटा का सेक थीटा उल्टा होता है, तो इसमें होता बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसी तरह कॉसेक ऑफ थीटा जो होता है उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हिंदी में बात करें तो लंब बटा कर्ण, ये रहा लंब बटा कर्ण। कॉस में होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन में होगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। कोट में वापस होगा आधार बटा लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। सेक में बात करें कॉस का था आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार, और कॉसेक का बात करें तो कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण बट्टा लंब। ये तो अनुपातिक यानी कि रेशियो के फॉर्मूले, यानी अगर आपको कोई रेशियो दे रखा है, अगर साइन का रेशियो, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था ये साइन का रेशियो दे दिया, और हमें अगर कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक फाइंड करने हो, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करके हम किसी साइड फाइंड करके कोई सा भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो महत्वपूर्ण एक टेबल और दे रखी है यहाँ पर, ये भी आपको लर्न करनी है, ये साइन के कंटिन्यूटी में लर्न रखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये डिग्री एंगल है। इसी तरह रेडियन एंगल होता है, 0 को 0 ही बोलेंगे, बट 30 डिग्री के लिए होता है पाई बाई 6, 45 के लिए होता है पाई बाई 4, और 60 के लिए होता है पाई बाई 3, और 90 के लिए होता है पाई बाई 2, यानी पाई की वैल्यू 180 मान करके ये लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक थोड़ा सा इधर साइड में बता देता हूँ कि हमें साइन ये टेबल अगर लर्न करना है तो अच्छी बात है, नहीं लर्न करो तो इसकी ट्रिक क्या वो देखते हैं। तो हमें 0 से 4 तक नंबर लिख लेना है, लिख लिया, और सभी को 4 से डिवाइड कर देना है, सभी को 4 से डिवाइड कर देना, क्या वैल्यू आई, 0, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे 0 आएगा, ये तो 1/4 है, और ये हो जाएगा 2 और 4, 2 की टेबल से 2 बन जाए 2, 2 2 जाए 4, 1/2 हो जाएगा, ये 3/4, और 4 डिवाइडेड बाय 4 यानी 1। इन सब के अपन स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, 0 का रूट होता है 0, 1 का रूट 1 होता है, 2, 4 का रूट कितना होता है 2, 1 का 1 होता है और 2 का रूट नहीं निकलता तो √2, 3 का भी नहीं निकलता इसलिए √3, और 4 का रूट होता है 2 और 1 का रूट होता है 1। ये जो वैल्यूज आई है क्या बताया मैंने, 0 टू 4 आपको काउंटी लिखनी है और सभी को 4 से डिवाइड कर देना, फिर उसका हर एक का आपको क्या निकालना, अंडर रूट,
तो जीरो का अंडर रूट जीरो होता है, वन बाई फोर का वन बाई टू होगा, वन बाई टू का वन का वन होता है, टू का रूट टू, थ्री का नहीं निकलता रूट थ्री, फोर का होता टू और वन का वन। तो ये जो सारी वैल्यूज आई है जीरो हाफ वन अपॉन रूट टू रूट थ्री बाई टू ये वन, ये सब साइन के कंटिन्यू, पहला जीरो था तो यहाँ पर साइन के जीरो डिग्री की वैल्यू कितनी होगी जीरो, दूसरा वन अपॉन टू तो साइन में थर्टी की वैल्यू वन अपॉन टू, तीसरा वन बाई रूट टू साइन में फोर्टी फाइव की वैल्यू वन बाई रूट टू, फिर रूट थ्री बाई टू साइन में सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, और फिर वन है तो साइन में नाइन्टी की वैल्यू वन। जो साइन की वैल्यू है, ये साइन की वैल्यू है, आप इसको बिल्कुल जस्ट पीछे से लिखेंगे ये कॉस की वैल्यू आ जाएगी वन रूट थ्री बाई टू वन बाई रूट टू वन बाई टू और जीरो। तो साइन की वैल्यू अगर आपको लर्न है तो कॉस की वैल्यू उसकी जस्ट उल्टी लिखनी है, यानी जीरो वाली कॉस जीरो की वैल्यू साइन के नाइन्टी की होगी, यानी उल्टे क्रम में पीछे से लिखना आपको वन रूट थ्री बाई टू वन बाई रूट टू वन बाई टू और जीरो। टेन की वैल्यू कैसे आती है, अगर हम टेन की वैल्यू साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर देते, साइन डिवाइडेड बाई कॉस, देन वी गेट टेन ऑफ थीटा। तो यहाँ देखते हैं इसमें जीरो वैल्यू है, इसमें वन है, जीरो डिवाइडेड बाई वन जीरो ही होता है, वन बाई रूट टू और रूट थ्री बाई टू, रूट टू रूट ये अपॉन टू गया तो अपॉन वन अपॉन रूट थ्री आ जाएगा, इसका दोनों सेम वैल्यू है, ऊपर नीचे कटेगी तो क्या वैल्यू आएगी वन, इसमें रूट थ्री बाई टू और ये वन बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा रूट थ्री बाई वन यानी रूट थ्री, और वन डिवाइडेड बाई जीरो, वन में जीरो से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी यानी कि अनंत, इसको हिंदी में बोलते ये अनंत आएगा। अब जो टेन की वैल्यू आई वही आपको रिवर्स किस में लिख लेनी है, कोट में, अनंत ये अनंत रूट थ्री वन 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 अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री और जीरो। तो जैसे साइन साइन से कोस की वैल्यू निकाल ली, वैसे किसकी टेन से किसकी निकाल लेंगे, कोट की। इसके बाद हम सेक की बात करते हैं, सेक जस्ट कोस का उल्टा होता है। देखो यहाँ पर साइन का उल्टा कोस है, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, तो टेन का उल्टा तो कोट में लिख दे रहे हो, टेन का जीरो, जीरो का उल्टा होता है अनंत, या वन अपॉन रूट थ्री रूट थ्री अपॉन वन, वन अपॉन वन वन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री और अनंत का उल्टा जीरो। इसी तरह सेक जो है वो किसका उल्टा होगा, कोस का, तो कोस की वैल्यू देखो वन है तो वन का उल्टा वन अपॉन वन ही होगा, रूट थ्री बाई टू है तो थ्री टू बाई रूट थ्री हो गया, वन अपॉन रूट टू है तो रूट टू अपॉन वन यानी रूट टू हो गया, वन अपॉन टू है तो टू अपॉन वन हो गया यानी टू हो गया, और जीरो का उल्टा अनंत होता है। अब सेक का उल्टा किस में चलते हैं, कोसेक में, ये अनंत इन्फिनिटी आ जाएगा, फिर टू रूट टू टू बाई रूट थ्री और वन। तो कहने का मतलब टेबल की ये ट्रिक है, ये भी आपको लर्न कर लेनी है, इससे भी आप टेबल बना सकते हैं, अदरवाइज आपको साइन टेन और सेक की जो वैल्यूज लर्न कर लेनी, लर्न बाय हार्ट, और फिर साइन की वैल्यू को उल्टा लिखने पर कॉस की वैल्यू जाती है, टेन की वैल्यू को उल्टा लिखने पर कोट की वैल्यू आ जाती है, और सेक की वैल्यू को उल्टा लिखने पर कोसेक की वैल्यू आ जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर एक फाइंड द वैल्यू दिस एंड दिस, साइन स्क्वायर थर्टी प्लस टू कॉस स्क्वायर फोर्टी फाइव प्लस थ्री टेन सिक्सटी। तो ये टेन स्क्वायर सिक्सटी है, सॉरी। तो हमें यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, साइन ऑफ थर्टी की, दूसरी वैल्यू चाहिएगी हमें कॉस ऑफ फोर्टी फाइव की, तीसरी वैल्यू चाहिएगी टेन ऑफ सिक्सटी की। साइन थर्टी की वैल्यू साइन की टेबल में चलते हैं, थर्टी की वैल्यू वन बाई टू टू वन बाई टू सॉरी, कॉस फोर्टी फाइव, कॉस में फोर्टी फाइव की वैल्यू वन बाई टू टू, ये भी स्क्वायर है वन बाई रूट टू, और टेन सिक्सटी की वैल्यू टेन में सिक्सटी में चलते हैं तो कितना वैल्यू है, सिक्सटी के नीचे टेन में रूट थ्री। अब इसको सॉल्व करते कैसे करेंगे, साइन की वैल्यू यहाँ पर साइन की वैल्यू साइन थर्टी की वैल्यू लिखनी वन बाई टू, लेकिन स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू इंटू कॉस फोर्टी फाइव, कॉस फोर्टी फाइव की वैल्यू वन बाई
रूट टू उसका भी स्क्वायर प्लस थ्री, टेन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री और उसका भी क्या है स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, वन का स्क्वायर वन होता है, टू का स्क्वायर टू इंटू टू फोर हो गया, प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर वन और रूट टू का स्क्वायर टू होता है। रूट टू को यदि रूट टू से इंटू करते हैं रूट फोर आता है और रूट फोर की वैल्यू कितनी होती है टू होती है, प्लस थ्री इंटू रूट थ्री की स्क्वायर वही थ्री होगी, जैसे रूट टू इंटू रूट टू टू होता है वैसे रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वन अपॉन फोर, ये देखो टू से टू कैंसिल, कब कैंसिल हो सकते हैं जब बीच में कौन सा साइन हो मल्टीप्लाई का इंटू, तो ये वन हो गया और वो हो जाएगा थ्री इंटू थ्री नाइन, नाइन और वन ये सीधा सीधा ऐड हो जाएगा तो कितना बनता है टेन, वन प्लस फोर प्लस टेन, तो इसकी आंसर आ जाएगी टेन वन अपॉन फोर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। टेन में वन फोर ऐड करेंगे तो टेन वन अपॉन फोर हो जाएगा। वैसे भी ये देखो फोर इंटू टेन फोर्टी हो गया, फोर्टी एंड वन फोर्टी वन अपॉन फोर, फोर्टी वन में फोर से डिवाइड करेंगे टेन टाइम जाएगा वन रिमेनिंग अपॉन फोर। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगली एक्सरसाइज में भी लेंगे, ये बेसिक जो है इसको लर्न कर लेना, एक तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला और ये जो मैंने यहाँ शॉर्ट में ट्रिक बताई वो जो कि यहाँ पर डिटेल में अलग अलग लिख करके बता दिया। इसी तरह ये टेबल है जीरो टू जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी और नाइन्टी की, ये भी अच्छे से लर्न कर लेना। अगली एक्सरसाइज में हम जो है इसकी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।